नमस्कार दोस्तों, बाजू नीचे। हम श्रीनगर से सोनमार्ग आ गए। यहाँ पे ले का रास्ता बंद है क्योंकि आगे कोई रास्ते के अंदर बाढ़ आ गया और वो जो पर्वत के पत्थर थे वो रास्ते के अंदर आ गए, इस वजह से पूरा रास्ता बंद है। हम सोनमार्ग में मार्केट में रुके हुए हैं। ये आगे देखोगे उस तरफ देखोगे ना, ये पूरा मार्केट है। उस तरफ हाईवे के पास पास में मार्केट है। हम हाईवे से हट के ये नदी आ रही है, एक वहाँ पर रुक के आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये नज़ारा दिखा देता हूँ, शानदार नज़ारा है यहाँ का। और ये जो पानी आ रहा है इतना चिल्ड है कि बहुत ज़्यादा चिल्ड, इतना भयंकर कि बर्फ़ भी हाथ रखे ना तो उस पर तो 5-10 मिनट तक रख सकते हैं अपन, 5-10 मिनट रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन यानी तीन सेकंड में तो वापस बाहर निकाल लेते हैं। यानी अंदर 3 सेकंड बोले तो अंदर गया बाहर, इतना चिल्ड पानी है। अब देख सकते हो आप कितना चिल्ड है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छी जगह है, आपको मैं ये सामने देख रहे हो आप, या ये इस पर्वत पे पूरे पे बर्फ़ जमी हुई है, पूरे पे बर्फ़ जमी हुई है। अब वहाँ उसी पर्वत पे बजरंगी भाई जान रेस टू उनकी शूटिंग हुई थी। और मैं आपके लिए ऐसी नज़ारे लाता रहूँगा। मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। मैं यहाँ बीच में बैठा हुआ हूँ और ये पानी चल रहा है। अच्छा लगता है कि ठंडे ठंडे पानी में बैठ के थोड़ा सुकून मिलता है, ऐसे सुकून मिल रहा है। इतना चिल्ड पानी है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है। ये देख सकते हो आप, जन लहरें उठ रही है इसके अंदर, बीच के अंदर लहरें उठ रही है। देख सकते हो अच्छा मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा के अंदर, यानी गर्मी तो का नाम तो रहता ही नहीं है। तो गर्मी भी कोई चीज़ है, ठंडा मौसम है आपका, और किधर से भी आवाज़ आएगी, सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी, पानी पानी की आवाज़ आ रही है। आप सुन पा रहे हो, ये आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है। तो ये आगे से राउंड हो गया, पानी इधर गया, ये श्रीनगर जा रहा है। तो जितना पानी है श्रीनगर जाके नहर में मिल जाता है। और सामने जितने भी ये पर्वत है ना, ये बर्फ़ से ढके हुए हैं। अच्छी जगह है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर आना है यहाँ पे। हर चीज़ में इंजॉय करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल वाइट कलर का पानी, बिल्कुल चिल्ड है, हम ये नहीं कह सकते पानी गंदा आ रहा है, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, पीने लायक पानी है। लेकिन ये नहीं पी सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा स्वास्थ्य भी हो सकता है। यहाँ के लोकल आदमी इसी पानी को पीते हैं, इसी पानी से खाना ना पकाते, क्या बताऊँ। इस जगह की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, वो शब्द नहीं है मेरे पास, जो क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत अच्छी जगह है। चलो मैं आगे भी आपके लिए एक अच्छी सी लोकेशन देख के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। आपको ये मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोग फंसे हुए थे लेकिन सबके चेहरों पे खुशी आ गई है। एक सी अलग सी लहर दौड़ गई है। 4 दिन से कहीं
महाराष्ट्र के हैं, कहीं गुजरात के, कहीं तमिलनाडु के, हर जगह के लोग हैं। लेकिन आज अभी जस्ट दस मिनट पहले रास्ता खुल गया, यानी कोई कुछ कह रहा है, भैया से बात करते। हेलो भैया, आज ये रास्ता खुल गया, आप कितने दिन से यहाँ रुके हो? दो दिन से रुके हो। ये भैया दो दिन से कहाँ से हो आप? बॉम्बे। ये दो दिन से यहाँ रुके हुए हैं, आज रास्ता कैसा लग रहा है आपको? रास्ते खुलने में कितनी खुशी हो रही है? कहाँ खुला है? खुल गया रास्ता। कभी खुला रास्ता? अभी 10 मिनट खुल गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। चलो एंजॉय करो। लेह लद्दाख। ठीक है, हम राजस्थानी। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमें जस्ट हमारी गाड़ी आएगी, अभी हम उसमें जाएंगे, आप देख लेना। कोई ये हमारे सभी पर्सन है। अभी 10 मिनट में पता करके आया हूँ मैं, उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ। यानी सभी के चेहरों पर ये देखो ट्रैफिक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ट्रैफिक दिखा देता हूँ, पूरा ट्रैफिक ऑन हो गया, कौन मारेगा, पूरा ट्रैफिक ऑन हो गया। यहाँ से भी साधन जाने लग गए, लोगों के चेहरों में बहुत सारी खुशी है कि लेह लद्दाख हाईवे ओपन हो गया। कोई 4 दिन से पीछे, कोई दिन तीन चार दिन से ये रास्ता जाम था, लेकिन आज BRO ने ये रास्ता साफ क्लियर कर दिया। उस पर आवेदन बहाल कर दी गई है। इसके लिए सर मैं BRO को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मेरी गाड़ी का भी इंतज़ार करूँ, कब गाड़ी आए, कब मैं हम यहाँ से निकले। हमारी लगता है गाड़ी बहुत वहाँ से हमारी गाड़ी आएगी, हमें पिकअप करेगी, उसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे। हमें तो एक दिन ही हुआ है यहाँ, सुबह हम करीबन 8 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। तो अच्छा लग रहा है, हाईवे ओपन हो गया है।